30 रुपए का पर्ची काटते हैं, बलदार के 20-20 रुपए का पर्ची काटते हैं। यहाँ इतने गुंडा राज हो रहे हैं। जब कानून व्यवस्था पस्त हो और गुंडाराज आम जनता पर भारी पड़ रहा हो तो ऐसी ही दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आती हैं। ये वीडियो सबूत है ठेकेदारी की गुंडागर्दी का और गरीब जनता की लाचारी का। ये तस्वीरें उस गुंडागर्दी की हैं जो फरीदाबाद की डबुआ मंडी में उस वक्त देखने को मिली जब एक शख्स मंडी के अंदर घुस रहा था। पीड़ित युवक का आरोप है कि पार्किंग की टिकट उसकी मां के पास थी और वो मंडी में अंदर जा रहा था, लेकिन तभी पार्किंग चालकों ने उसे टिकट न देने का आरोप लगाकर पीटना शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक यहां पार्किंग के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है और आए दिन लोगों के साथ बदतमीजी और मारपीट की जाती है। स्थानीय लोगों ने मांग करते हुए कहा कि इस पार्किंग को बंद किया जाए और मारपीट करने के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। यहाँ पे खड़ा था, नाम नहीं पढ़ा मैंने, वो यहाँ पे अल्टो खड़ी थी, वो भी बिना देखे चला गया। किस बात पर लड़ाई हुई? लड़ाई मेरे पर्ची नहीं, पर्ची मेरे पास नहीं थी, मम्मी के पास पर्ची थी। इस चक्कर में वो पर्ची के चक्कर में वो झूठे थप्पड़ मारा, मम्मी आई तो मम्मी को भी कपड़े पड़े मारे, मेरे को भी बहुत मारा है। और 7-8 लड़के थे, 7-8 लड़कों ने मारा मेरे को। 30-30 रुपए का पर्ची काटते हैं, बलदार के 20-20 रुपए का पर्ची काटते हैं। यहाँ इतने गुंडा राज हो रहे हैं, गुंडा राज। 20 रुपए के लिए मेरे को भी रेप्टा मार दिया था, मेरे को भी रेप्टा मार दिया था। कौन थे वो? कौन थे वहाँ पे पीछे? तो कंप्लेन करी थी आपने पहले पुलिस में? बहुत सख्ताई करो बाबूजी। लोग परेशान हैं और गुंडे हैं कि अपना रसूख और दम दिखाने में लगे हुए हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि चंद गुंडे आखिर आम जनता पर अपना रौब कैसे दिखा सकते हैं और पुलिस ऐसे बदमाशों को सबक सिखाने के लिए क्या कर रही है। इस घटना के बाद पुलिस का कहना है कि उन्होंने आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरे पास अभी कॉल आई थी 112 RV से कि भाई यहाँ पे झगड़ा हो गया है, तो मैंने भी पता किया है, तो वहाँ पे मैंने अपने SDO रेडियो को भेजा था, रेडियो पुलिस अभी आ रही है, तो वहाँ पे पता चला है कि भाई कोई पर्ची काटते हैं मंडी के अंदर एंट्री की, तो उसके ऊपर किसी पहले उसके लड़के से झगड़ा हुआ है, किसी लड़के का जो वहाँ पर्ची काटते हैं। बाद में उसकी मदर वदर ने उसको बचाने के लिए तो उसके भी साथ में हाथापाई कर दी। जांच कर रहे हैं, मुकदमा दर्ज कर देंगे, जो भी नियम अनुसार कार्रवाई होगी कानून के तहत जल्दी कर देंगे। तो सर ये जितने भी जिन्होंने मारा है औरत के भी ऊपर हाथ उठाया है, तो ये कौन है सर अभी तक पता चला है? ये कोई सतवी ठेकेदार है, वहाँ उसका बंदा है जो पर्ची वर्ची वहाँ काटते हैं। कर रहे हैं जाँच कर रहे हैं, जैसे भी सही तथ्य होंगे उसी हिसाब से लेडीज के मेडिकल करा के उसके मुकदमा कर। पुलिस कार्रवाई की बात भले ही कर ले, लेकिन ऐसी घटनाओं के बाद लोगों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल उठना तो लाजमी है ही। ऐसा तो है नहीं कि फरीदाबाद की डबुआ मंडी में मारपीट की ये पहली घटना हो, इससे पहले भी मारपीट और वसूली की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, पर अब तक उन पर क्या कार्रवाई हुई ये कोई नहीं जानता। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।